नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रभक्त जेल में जा रहे हैं और अपराधी मजे ले रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं, अभी बहुत उदाहरण सामने आए हैं। हम पहले बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस उपाध्यक्ष की जिसकी सरेआम सड़क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रांची से वे उपाध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उनकी 3 बाइक सवार आए जिसमें 9 लोग मौजूद थे, उनको गोलियों से भून दिया और उनकी हत्या कर दी। उस दौरान जब झारखंड का 5वां चरण कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है, पूरे चुनाव के दौरान कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई, लेकिन 5वां चरण इस हिंसा की भेंट चढ़ गया और वहाँ एक हत्या हो जाती है। यह हत्या किसने की अब तक मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो प्रदर्शनकारी उतरे हैं सड़कों पर, फरहान अख्तर जैसे विशिष्ट लोग, जो अभिनेता हैं जिनको सेलिब्रिटी कहा जाता है, ऐसे तमाम लोग लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, खुद कांग्रेस भी ज़मीन पर उतर चुकी है, क्या यह लोग राष्ट्रद्रोही हैं? क्या यह लोग अपराधी हैं जिनको जेल पर ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है, लगातार FIR की जा रही हैं? अब सरकार का विरोध करना कब से एक अपराध हो गया? चलिए, हो सकता है अपराध हो, लेकिन जिन्होंने उस उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या करी है वह अपराधी कहाँ हैं? नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि पुलिस तो व्यस्त है उन राष्ट्रभक्तों को पकड़ने में जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस तो उसमें व्यस्त है। तो शहर के अंदर क्यों हत्याएं नहीं होंगी, क्यों बलात्कार की घटनाएं नहीं होंगी? क्योंकि वह राष्ट्रभक्त तो रास आ नहीं रहे हैं सरकार को। जिस तरह फरहान अख्तर पर FIR हो गई है, ये बहुत ही सख्त मामला है। वह तो देश से बाहर नहीं किए जाने वाले थे, लेकिन देश के हक में उतरे थे वो, शायद वह भी राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं। इसी संबंध में हम दूसरी बात करते हैं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन में पथराव चल रहा था और उन व्यक्तियों ने टोपी लगा रखी थी, लुंगी पहन रखी थी, साफ समझा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है, और जबकि बहुत ही एक सौहार्द देखने को मिला था इस दौरान कि हिंदू मुसलमान सारे ही एक मंच पर उतर कर आ गए इसके विरोध में प्रदर्शन करने। लेकिन वहीं जिस तरह रेलगाड़ी पथराव हो रहा था, लग रहा था एक मुस्लिम समाज हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो RSS के कार्यकर्ता निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ABVP जो उसका विंग है, स्टूडेंट विंग है, उसके कार्यकर्ता निकलते हैं। तो यहाँ से क्या संदेश जाता है? यहाँ से यदि कोई व्यक्ति हिंदुओं को निशाने पर लेता है समाज को, तो वह सरासर गलत कर रहा है, यह करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहाँ पर RSS को निशाने पर लेना बिल्कुल सही है। RSS के जब कार्यकर्ता निकलते हैं तो वहाँ किसका हाथ होगा? भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ होगा। चलिए RSS को हम अलग कर देते हैं, वह तो मोहन भागवत उसके प्रमुख हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या जिम्मेदारी? लेकिन ABVP तो आपका ही स्टूडेंट विंग है, उसके कार्यकर्ता कैसे पकड़े जाते हैं, वह छात्र कैसे पकड़े जाते हैं, और वो भी दूसरे लिबास में, दूसरे वेशभूषा में, जिससे एक व्यक्ति एक धर्म संबंध विशेष को निशाना बनाया जा सके। फिर से जो हिंदू मुसलमान एक साथ उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच फिर से तोड़फोड़ की जा सके, इस संबंध में वह ऐसा कर रहे हैं? यहाँ RSS पर उंगलियां उठ रही हैं, ABVP पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा रहा है जो पथराव कर रहे हैं लगातार। हिरासत में उनको लिया जा रहा है, जैसे आपने देखा रामचंद्र गुहा वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको घसीट कर ले जाया गया। वह हिंसात्मक कैसे हो सकते हैं? एक वरिष्ठ, एक बूढ़ा इंसान कैसे हिंसा करेगा, और उन्हें पुलिस घसीट कर ले जाती है। लेकिन उन RSS के व्यक्तियों के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।